अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बेसिक डिफरेंस स्टडी करते हैं बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट्स। तो ये डिफरेंस हम इनके सीड्स के हवाले से स्टडी करेंगे, इनके लीफ, इनके स्टेम, इनके रूट्स और फ्लावर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे। लेकिन इतना आपको माइंड में रखना है कि जो मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट्स होते हैं तो ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं। इस तरीके से इनके सीड्स कहलाते हैं एंजियोस्पर्मिक सीड्स। तो जो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं वो एक्चुअली में हार्बेशियस प्लांट्स होते हैं, और जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं वो वुडी प्लांट्स होते हैं, या जो ट्रीज हमें नज़र आ रहे होते हैं तो ये सारे के सारे डाइकॉट प्लांट्स होते हैं। सीड्स के हवाले से डिफरेंस स्टडी करते हैं। इन केस ऑफ मोनोकॉट, जिस तरीके से उसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है, मोनोकॉट है, मतलब कि वन कॉटिलीडन इनके अंदर मौजूद होता है, और ये कॉटिलीडन थिन होता है, और इनके अंदर स्टिल एंडोस्पर्म एग्जिस्ट कर रहा होता है। इसी बेसिस पर हम इन सीड्स को कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड्स। होप सो कि आपको कॉटिलीडन और एंडोस्पर्म का कंसेप्ट क्लियर होगा। ये दोनों अपने अंदर रिजर्व अमाउंट में फूड रख रहे होते हैं। पहले एंडोस्पर्म होता है, फिर उस एंडोस्पर्म को रिप्लेस कर दिया जाता है कॉटिलीडन से, लेकिन इन केस ऑफ मोनोकॉट वो फुली रिप्लेस नहीं हुआ होता है, स्टिल एग्जिस्ट कर रहा होता है। इसी तरीके से डाइकॉट के वर्डली मीनिंग के अकॉर्डिंग इसके अंदर दो कॉटिलीडन्स मौजूद होते हैं, और ये कॉटिलीडन्स थिक होते हैं, और इनके अंदर सारा का सारा एंडोस्पर्म कन्वर्ट हो जाता है इनटू कॉटिलीडन्स। इसी बेसिस पर इन सीड्स को नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स कहा जाता है। यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ की हुई है मोनोकॉट की। इनका एम्ब्रियो एक साइट पर है, और ये इनका तिन कॉटिलीडन है, और ये बड़ा सा इनका एंडोस्पर्म होता है। और इसी तरीके से अगर हम डाइकॉट सीड को बाहर से देखें तो वो हमें ऐसे नज़र आएगा, लेकिन अगर हम इनके कॉटिलीडन्स को इस तरीके से ओपन करें तो हमें दरमियान में एम्ब्रियो नज़र आता है। और इस एम्ब्रियो का ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं प्लूम्यूल। ये फ्यूचर में प्लांट के लीव्स बनाएंगे। और इसी तरीके से थोड़ा सा जो बाहर को निकला हुआ पोर्शन है टॉप का, इसको हम कहते हैं एपिकोटाइल। इसने फ्यूचर में प्लांट का स्टेम का ऊपर वाला पोर्शन बना देना है। और ये जो हाइपोकोटाइल है, हाइपो तो ये स्टेम का निचला वाला पोर्शन बना रहा होता है, और रेडिकल, रेडिकल ये बेस वाला पोर्शन, ये फ्यूचर प्लांट के रूट्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी तरीके से ये दो इनके कॉटिलीडन्स होते हैं। और एम्ब्रियो की पोजीशन के हवाले से भी दोनों में डिफरेंस पाया जाता है। इन केस ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो की पोजीशन सीड के एक साइड पर होती है, मतलब के कॉर्नर पर होती है, लेकिन इन केस ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो इस कॉटिलीडन के दरमियान में मौजूद होता है। तो ये तो हमने स्टेम के हवाले, सीड्स के हवाले से डिफरेंस की बात कर ली। अब हम लीफ के हवाले से डिफरेंस की बात करते हैं। जो मोनोकॉट होते हैं इनमें लीव्स ऐसे नैरो नैरो होते हैं, लंबे लंबे से, और इनके ये जो एजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, और ये मोनोफेशियल होते हैं विद पैरेलल वेंस। मोनोफेशियल का मतलब ये होता है कि अगर हम इसको ऊपर से देखें या हम इसको नीचे से देखें तो हमें एक जैसे नज़र आ रहे होते हैं, और इनके अंदर वेंस ऐसे सीधे सीधे गए हुए होते हैं। इन केस ऑफ डाइकॉट इनके लीव्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, ब्रॉड होते हैं, और बायफेशियल होते हैं, मतलब इनके जो अपर सरफेस है लीफ का वो हमें एक तरह से नज़र आ रहा होता है, और जो इसका लोअर सरफेस है वो हमें दूसरी तरह नज़र आ रहा होता है। और इनके जो वेंस हैं तो वो बहुत ज़्यादा नेटवर्क की सूरत में होते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप की इनकी वेनेशन होती है, और ये रेटिकुलेट वेनेशन कहलाते हैं। अब स्टेम की बात करते हैं। स्टेम के अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स हैं, मतलब कि जो जाइलम और फ्लोएम है, इन केस ऑफ मोनोकॉट वो इसे स्कैटर्ड होते हैं, जबकि इन केस ऑफ डाइकॉट वो रिंग्स की सूरत में अरेंज हुए होते हैं। और इन केस ऑफ मोनोकॉट ये जो वेस्कुलर बंडल्स हैं, मतलब कि जाइलम और फ्लोएम, ये कोलेटरल होते हैं, मतलब एक साथ साथ होते हैं जाइलम और फ्लोएम, और ये क्लोज टाइप के होते हैं। क्लोज का मतलब ये होता है कि जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में कोई वेस्कुलर कैम्बियम मौजूद नहीं होता। वेस्कुलर कैम्बियम आपको पता ही है कि वो टिश्यूज़ जो कि सेकेंडरी ग्रोथ करवाते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब ये होता है कि जो प्लांट है उसका विड्थ के हवाले से, मतलब डायमीटर के हवाले से इंक्रीज हो जाना, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो चूँकि ये इनके वेस्कुलर बंडल्स क्लोज टाइप के होते हैं, इनके अंदर कोई वेस्कुलर कैम्बियम मौजूद नहीं होते, इसलिए इनमें कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, ओनली प्राइमरी ग्रोथ इनके अंदर होती है। और इन वेस्कुलर बंडल्स की जो शेप होती है वो ओवल शेप होती है ऐसे। इसी तरीके से इन केस ऑफ हमने डाइकॉट, इनके भी वेस्कुलर बंडल्स कोलेटरल होते हैं, मतलब कि जो जाइलम और फ्लोएम है वो करीब करीब होते हैं, और ये ओपन टाइप के होते हैं, मतलब कि जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में वेस्कुलर कैम्बियम पाया जाता है। वेस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए इन केस ऑफ डाइकॉट सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इनकी जो विड्थ है तो वो इंक्रीज होती जाती है, और इनके जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं तो वो वेज शेप होते हैं लाइक दिस। तो ये जाइलम है इस तरीके से, और ये फ्लोएम है, और ये दरमियान में वेस्कुलर कैम्बियम।
तो ये सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं, जबकि मोनोकॉट सेकेंडरी ग्रोथ नहीं शो करते हैं। अब हम इनके रूट्स का डिफरेंस स्टडी करते हैं। मोनोकॉट में रूट्स कहलाते हैं एडवेंटिशियस रूट्स, क्योंकि ये रूट्स डेवलप नहीं होते हैं रेडिकल से। इससे पहले मैंने आपको बताया ना कि जो रेडिकल है पर वो रूट्स फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्यूचर प्लांट के, लेकिन इन केस ऑफ मोनोकॉट इनका जो रेडिकल है वो ख़त्म हो जाता है, वो एबॉर्ट हो जाता है, वो डीजेनरेट हो जाता है, बाकी नहीं बचता है। तो इसलिए जो रूट्स होते हैं वो बेस ऑफ द स्टेम से एराइज होते हैं, और ये फाइब्रस रूट्स होते हैं, मतलब ऐसे दागो दागो की तरह होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा डेप्थ तक भी नहीं जाते हैं। इन ये जस्ट सॉइल के अपर वाले जो पार्ट्स हैं तो वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। जबकि इन केस ऑफ डाइकॉट इनके रूट्स अच्छे खासे मोटे होते हैं, और इनको हम कहते हैं टैप रूट्स, क्योंकि ये रूट्स डेवलप हुए होते हैं एम्ब्रियो के रेडिकल वाले पोर्शन से। पहले ये प्राइमरी रूट्स होते हैं और फिर ये सेकेंडरी रूट्स की तरह ब्रांचेस निकलती हैं, और फिर इस तरीके से मज़ीद मज़ीद लेटरल ब्रांचेस निकलती जाती है, तो टर्शियरी रूट बनते जाते हैं ऐसे एंड सो ऑन। और ये रूट्स बहुत ज़्यादा डेप्थ तक हम जा रहे होते हैं सॉइल में। इसके अलावा जो रूट्स है तो उनमें वेस्कुलर बंडल्स, इन केस ऑफ मोनोकॉट वेस्कुलर बंडल्स का नंबर रूट्स में ज़्यादा होता है, और ये होता है मोर देन 5 to 8। और इन वेस्कुलर बंडल्स के दरमियान में, मतलब कि इस जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में कोई भी वेस्कुलर कैम्बियम मौजूद नहीं होता है, तो लाइक दैट ऑफ स्टेम मोनोकॉट के रूट्स भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं शो कर रहे होते हैं। जबकि वेस्कुलर बंडल इन केस ऑफ डाइकॉट रूट इनका नंबर कम होता है, 2 to 8 इनका नंबर होता है, और इस जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में चूंकि वेस्कुलर कैम्बियम मौजूद होता है, इसलिए स्टेम की तरह रूट्स में भी इन केस ऑफ डाइकॉट सेकेंडरी ग्रोथ होती रहती है, मतलब इनका स्टेम भी विड्थ में इंक्रीज होता रहता है और इनके रूट भी विड्थ में इंक्रीज होते रहते हैं। अब हम फ्लावर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस को स्टडी करते हैं। जो फ्लोरल पार्ट्स हैं फ्लावर के, मतलब के जो कैलस है यानी कि सेपल्स का जो ग्रुप है, या जो कोरोला है, पेटल्स कलर्ड पोर्शन होते हैं, और जो सेपल्स होते हैं वो ग्रीन कलर की जो नीचे वाले फ्लावर को प्रोटेक्ट करने वाली लीव्स होती हैं उनको सेपल्स कहा जाता है। तो कैलस और करोला का नंबर यूजुअली मल्टीपल ऑफ 3 होता है, या तो 3 होगा इस तरीके से, या 3 का मल्टीपल होगा जिस तरीके से 6 है, 9 है एंड सो ऑन। इसी तरीके से अगर हम डाइकॉट के फ्लावर को देखें तो इनके फ्लावर में यही पेटल्स या सेपल्स टेट्रा या पेंटामेरस होते हैं, मतलब कि 4 या 5 होंगे, या 4 या 5 का मल्टीपल होंगे, जिस तरीके से यहाँ पर मैंने एक फ्लावर शो किया हुआ है कि इनकी 4 हमने पेटल्स होते हैं या 5 या इनका मल्टीपल्स होते हैं। और इन केस ऑफ मोनोकॉट इनमें पोलन ग्रेन्स की पोलिनेशन इंसेक्ट्स के ज़रिए होती है, जबकि इन केस ऑफ डाइकॉट इनके पोलन ग्रेन्स की पोलिनेशन एयर के ज़रिए होती है। अब एंड में आपको एग्जांपल्स को माइंड में रखना है, एग्जांपल्स को आप माइंड में रखोगे तो आपको मोनोकॉट और डाइकॉट का बेसिक डिफरेंस सारा माइंड में क्लियर हो जाएगा। वीट एग्जांपल है मोनोकॉट के, राइस ग्रासेस को आपने देखा होगा, उनके जो पत्ते होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे लंबे होते हैं, और उनके जो एंड्स होते हैं वो शार्प होते हैं, जिनको हम लेंसिलेट एजेस बोल रहे होते हैं। इस तरीके से कॉर्न है, ऑर्चिड, शुगर केन या लिलीज, ये सारे एग्जांपल हैं मोनोकॉट के। इस तरीके से जो रोज़ है, पी, बीन्स, बटरकप्स एक्सेट्रा, ये सारे डाइकॉट प्लांट के एग्जांपल हैं। तो इस तरीके से अगर आप माइंड में जस्ट पी या बीन को भी रख लो तो भी आपको डाइकॉट की सारी बातें याद आ जाएंगी। इसी तरीके से यहाँ से कॉर्न या ग्रासेस को भी आप माइंड में रख लो तो बेसिक डिफरेंस आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने मोनोकॉट और डाइकॉट के दरमियान में डिफरेंस को देखा कि इनके स्टेम में भी डिफरेंस है, इनके लीव में भी डिफरेंस है, इनके रूट्स में भी डिफरेंस है, इनके फ्लावर में भी डिफरेंस है एक्सेट्रा। तो होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी, अच्छे तरीके से इसको लर्न कर लेना है। बेसिक डिफरेंस पर बहुत दफ़ा पेपर में क्वेश्चन आ जाता है।